हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। ते आपां ना अज्ज दी वीडियो करन लगे हां जी। शुरू ते अज्ज दी वीडियो ना आपां कित्थों शुरू करांगे। मैं ना अज्ज बनाउण लगी हां आलू दे परांठे। ते आलू दे परांठे आलू उबाल के मैं रख लिया है। ते सारा हुंदा जिहड़ा मिक्सचर है मैं तैयार कर लिया। ते तैयार करके ना ते हुण आपां बना चलदे हां किचन च। ते किचन दे विच चल के ना बहुत दिन हो गए सी, मैं कहा चलो आलू दे बनाइए परांठे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कुछ ना कुछ खाने नूं ना मन करता ही रहिंदा है कि कुछ बना लीए, पकौड़े बना लीए। तो फिर मैं कहा चलो आपां ना गर्मा गर्म बनावांगे अज आलू दे परांठे। तो हुण आपां चल के किचन दे विच करदे हां शुरू। देखो जी, कुछ मैं बनाई है दाल मूंगी मसरी। तो दाल मेरी बन गई है, मूंगी मसरी की मैं बनाई थी दाल, क्योंकि मैं ना मूंगी मसरी की दाल ना बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो यह बनती है करारी, तो नाल ना ये रोटी भी बंदा वधिया लिक्विड हो जाती है, तरी वगैरह बन जाती है जी वधिया। नाल मैं आलू के परांठिया का जिहड़ा मिक्सर है वह मैं तैयार करके रख लिया। तो आटा भी मैं गुन्न के रख लिया। तो आलू के परांठे करते हैं हुण आपां बनाने शुरू। सब्जियां खा खा के ना आलू मटर गाजर गोभी ते मन ना बोर होया पिया सी। ते मैं ना हुण ना हमेशा कुजे दे विच ही सब्जी बनाउनी आ, क्योंकि नाले तां इहदा टेस्ट बहुत वधिया बनदा है। ते नाले जिहड़े सानूं जिहड़े मिट्टी के अंदर तत्व है काणे ना जिहड़े ओह बहुत मिल जांदे आ इहदे विच कुजे च। ते हांडी असीं तां कुजा कहिंदे आ, कई लोग इहनूं हांडी भी कहिंदे ने। मिट्टी का कुजा बहुत वधिया हुंदा है। ते जिहड़े पहला पुराने बजुर्ग लोग हुंदे सी ना, उह तां पहला ना इन्हां मिट्टी दे कुजियां च ही खाणा पीणा ते बनाउंदे हुंदे सी। मेरी ना दादी वगैरह ना उह तां मिट्टी दे बर्तन जिहड़ी आपां परांत हुंदी आटे वाली, उस च ही आटा गुन्न के परांत च ही बनाउंदे सी। मेरी दादी होरी मैं वेख्या खुद उहनां नूं, ते मिट्टी दे कुजे च ही उहनां ने ना रात नूं साग रिझणा हारे दे विच रख देना। ते साग ना हारे दे विच रिझ रिझ के ना बिलकुल मलाई वर्गा हो जांदा सी। ते सवेरे पता उहनां ने की करना, उहदे विच ही सारा कुछ सिट दिंदे सी, मिर्चां लसण अदरक जो भी है ना। ते सवेरे बस कुंडे ना घोटे नाल घोट के ते तड़क के रख लैणा इक वारी, मुड़ के सारा दिन उहनां ने दो तीन दिन लगातार साग ही खाधी जाणा। ते बहुत टेस्टी हुंदा है पिंडां दा साग सब्जी जो भी है ना। मैं बना ला जी हुण आलू दे परांठे। चलो चलिए आप शुरू आलू के परांठे बनाने। दाल मेरी रेडी हो गई है। कई लोग तो आलू के परांठे ना बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, पर मेरे तो ना आलू के परांठे छोटे नहीं बनते, मेरे तो ना आलू के परांठे बहुत वड्डे वड्डे बनते हैं। तो इस करके ना मेरी रोटी नू वो ना कहो कि पम्मी जी ने वड्डे वड्डे परांठे बनाए, क्योंकि मेरे तो छोटे परांठे बनते नहीं है। कहते ने ना बंदे दे ना हाथ पैर सलामत होने चाहिए ने। मेरे ना हफ्ते जितने दी सट बची है ना उतने दी कोई चीज मेरे को बनती नहीं पई। रोटी भी ना मेरे तो वधिया नहीं बन रही। चलो
कोशिश करने ना बनाने की। इस पूरी चुगी से हाथ में इतों तक हजे तक मेरे दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। इस करके ना रोटी भी मेरी ना टेढ़ी मेढ़ी जी बन जाती है। आलू दे गर्मा गर्म परांठे खा खा के ना बस सर्दी दे विच मोटे ही हो जाना है। और क्या करना है, मेरा तो एक परांठा ही बहुत है क्योंकि परांठा ही एडा वड्डा हो गया ना। परांठे हो गए जी अपने रेडी गर्मा गर्म करारे करारे। चिमटे नाल